दरनगर जिले के बासी कस्बे में माघ मेला मैदान में वीर एकलव्य सेना व एकलव्य क्रांति पार्टी की विशाल रैली का आयोजन किया गया। एकलव्य क्रांति पार्टी द्वारा आयोजित की गई रैली के माध्यम से छोटे वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। फलून देवी व वीर एकलव्य तथा निषाद राज के चित्र पर फूल व माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की गई। वक्ताओं ने अपने संबोधन में निषाद बरादरी का आह्वान किया, आज़ादी के बाद से आज तक हम आपको वोट की राजनीति कर खूब छला गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथियों अब जागो, अब किसी की हमें मदद नहीं चाहिए बल्कि हम खुद को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें शिक्षित होना होगा, अपने बेटे बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। किसी का पिछड़ूपन नहीं बनना, क्योंकि हमें भविष्य बनाना है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग की है कि निषाद, केवट, मलाह, मांझी, मंझवार, धीवर, बींद, कहार, कुम्हार, गोड़िया, तुरहा, सहानी, बाथम, तीवर, प्रजापति, राजभर को अनुसूचित जाति से अलग करके कोटा देकर प्रमाण पत्र दिया जाए। साथ ही नदी, झील, तालाब का ठेका ठेकेदारों को न देकर जिस तरह खेत वार्षिक लगान दिया जाता है, उसी तरह निषाद से इसका लगान लिया जाए। ये कार्यक्रम जो है एकलव्य क्रांति पार्टी के माननीय गंगाराम निषाद जो अध्यक्ष हैं और बहुजन कांसीराम बहुजन दल, ये तमाम छोटे छोटे जो दल मिलकर जो है आने वाले लोकसभा की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं कि इस देश में जितने लोग शासन किए प्रदेश और देश में, इस देश के गरीबों को हक हिस्सा नहीं मिला। इनको हक हिस्सा की बस इतनी ज़रूरत है, राशन कार्ड नहीं बन पाया, आवास नहीं बन पाया जो इनकी मूलभूत आवश्यकता है, और बेरोजगारी, इनकी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। जब तक इनको कुटीर उद्योग नहीं होगा, इनको कुटीर उद्योग दर का इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कराने के लिए हम लोग एक जन आंदोलन चला रहे हैं। शिक्षा में इनका मूलभूत परिवर्तन, टेक्निकल शिक्षा नहीं है, तो जब ये टेक्निकल शिक्षा होगा तो ऑटोमेटिक इनको आर्थिक सहायता होगा, और आर्थिक सहायता होगा तो अपने आप तरक्की होगा। इसी के लिए हम लोग जन जागरण अभियान चलाकर छोटे छोटे जो समाज के लोग हैं हम इकट्ठा करके एक बड़ा दल बना रहे हैं, एक बड़ा प्लेटफार्म देंगे, और इनको रोजगार जब तक मुहैया नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा।